सिल्वर पैकेज फॉर टोयोटा रूमियन आप लोगों के सामने है। रूमियन का बेस मॉडल है। एक 75,000 का बजट जो आज अपनी गाड़ी के ऊपर आप खर्चा करते हैं, ये गाड़ी का लुक आप लोगों के सामने है। इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल ऑफ द कार से, क्योंकि वाइट कलर की कार पे वाइट कलर की DRL हमने लगाई है जो आपकी ही हेडलाइट के अंदर लगती है। एक जो इसका रोड अपीयरेंस है, जो नाइट लुक है, जो रोड प्रेजेंस है, गाड़ी की DRL लगाने के बाद जो टोयोटा की बैजिंग के साथ जो रूमियन की आइडेंटिटी है आगे से चेंज हो जाती है। 4,500 रुपीज़ के रेंज की DRL इसके अंदर हमने लगाई है। हेडलाइट के जो बल्ब हैं वो हमने अपग्रेड किए हैं LEDs में। इसका बॉक्स भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। द लो बीम, द हाई बीम हैज़ बीन अपग्रेडेड टू द LED, क्योंकि कंपनी जो टोयोटा बल्ब लगा के दे रही है वो एक हेलोजन बल्ब है, बेसिक बल्ब है। आप लोग देख सकते हैं 100 रुपये का बल्ब है। ये बल्ब को रिप्लेस करके ऑजूम मेड इन जर्मनी के जो बल्ब इसके अंदर हमने लगाए हैं ये 2 इयर्स गारंटी के साथ आते हैं। 24 महीने की इसकी गारंटी है। इसकी जो कॉस्टिंग भी आप लोगों के सामने है 6990, 7,000 रुपये का 1 पैर है। 2 पैर हमको लगते हैं तो 7 और 7 14 हो जाता है, बट डिस्काउंट करके ये भी 12,000 रुपये के रेंज में हमको पड़ते हैं। 12,000 रुपये के LED बल्ब एंड DRL हमारी 4,500 रुपये की, 16,500 का मॉडिफिकेशन गाड़ी की हेडलाइट में है। 2,500 रुपीज़ की स्कफ प्लेट्स हैं जो दरवाज़ा खोलने पे रूमियन का नाम एंड उसमें इल्यूमिनेशन देती है। हो जाता है आप लोगों का 19,000 रुपीज़। एंड फाइनली द एम्बियंट लाइट सेटअप इन द कार ऑन द डैशबोर्ड, द 4 डोर्स, पाँव रखने का सेक्शन आगे, पाँव रखने का सेक्शन पीछे। सी द लग्जूरियस एटमॉस्फेयर इनसाइड द कार। एक 30,000 का बजट जो गाड़ी के लाइट्स में हम खर्चा करते हैं, लुक ऑफ द कार आप लोगों के सामने है। सिमिलरली एक 30,000 का इंटीरियर मॉडिफिकेशन हमने गाड़ी में किया है, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं सीट कवर्स से। वाइट गाड़ी है बट इसका जो इंटीरियर है डार्क ब्राउन वॉलेट कलर में हमने किया है, ऑफ द टॉप गियर ब्रांड, विथ 1, 2, 3, 4 एंड 5 कुशनिंग जोन्स इन सीट कवर की फिटमेंट आप लोग देख सकते हैं। 22,000 के रेंज के सीट कवर्स, 2,500 रुपीज़ के रेंज का स्टेयरिंग की लेदर रैपिंग, 4,000 रुपीज़ का लेदर वर्क जो हमने चारों दरवाज़ों में किया है। इट्स वॉलनट कलर एंड हाईलाइटेड विद द वैनिला स्टिच। एंड फाइनली द इंटीरियर स्टाइलिंग किट जो आपके डैशबोर्ड पे, चारों दरवाज़ों पे जो ब्राउन कार्बन स्टाइलिंग किट है हमने लगाई है, जो फिटमेंट एंड फिनिशिंग आप लोग इसकी देख सकते हैं। 9,000 रुपीज़ की इंटीरियर स्टाइलिंग किट। 1 और 30 का जो फिगर है जो आप अपनी गाड़ी के इंटीरियर में खर्चा करते हैं, 30,000 का खर्चा जो आप अपनी लाइट्स में खर्चा करते हैं। इसके बाद जो उसके अंदर हम बात करते हैं, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट म्यूज़िक सिस्टम भी गाड़ी के अंदर नहीं लग के आता है, सो टच स्क्रीन म्यूज़िक सिस्टम भी इसके अंदर 9 इंच का हमने लगाया हुआ है। एंड रिवर्स कैमरा भी इसके अंदर इंटीग्रेट किया हुआ है। निप्पॉन का प्लेयर एंड्रॉयड 9 इंच द प्रो मॉडल हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन द कार। 15,000 रुपीज़ के रेंज में टच स्क्रीन एंड रिवर्स कैमरा। ये 75,000 का जो बेसिक मॉडिफिकेशन है रूमियन में ज़रूरी है, क्योंकि बल्ब रोशनी है, सीट पे हमको बैठना है, टेप ज़रूरी है। इसके अलावा अगर कैरियर आपको लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं, वो ऑप्शनल है। एंड क्रोमिंग का भी एक 10,000 रुपीज़ गाड़ी के एक्सटीरियर यानी कि बाहर के लुक में जो हमने खर्चा किया है। द टोयोटा जेन्यून साइड डोर प्रोटेक्शन मोल्डिंग जो 3,500 रुपीज़ के रेंज की पड़ती है। क्रोमिंग का वर्क जो विंडो पे हमने किया है पीछे तक जो उसके अंदर जा रहा है 1,500 रुपीज़ का पड़ता है। एंड हैंडल की क्रोमिंग जो 1,000 रुपीज़ के रेंज की पड़ती है। एंड फाइनली द स्पॉइलर, ये एक आफ्टर मार्केट स्पॉइलर है जो कस्टमर ने बाहर से लगाया है। हम हर वक्त आप लोगों को डिफरेंस बताते हैं कि किस तरीके से एक आफ्टर मार्केट स्पॉइलर यह क्लिप्स और ब्रैकेट से लगता है, बट जो हम स्पॉइलर लगाते हैं वो जेन्युइन तरीके से लगता है। तो ये स्पॉइलर वो कहीं से लगा के आए थे। एलॉय व्हील्स भी इन्होंने लगाए हुए हैं, बट आप लोग देख सकते हैं कि जेन्युइन का मज़ा जेन्युइन है एंड आफ्टर मार्केट का लुक आफ्टर मार्केट हमको उसके अंदर मिलता है। द सिल्वर पैकेज फॉर टोयोटा रूमियन किस तरीके से लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइए। ड्राइव रूमियन है जो वाइट कलर में हमने बनाई है, इसका DRL का लुक आप लोग ने देखा है। सीट कवर्स क्या, आर्म रेस्ट क्या, एम्बियंट लाइटिंग क्या, एक जो नेसेसरी मॉडिफिकेशन रूमियन में होनी चाहिए हमने की है, क्योंकि ब्राउन गाड़ी से हमने पहला वीडियो देखा था बट वाइट गाड़ी का अपना अलग लुक उठ के आया है। किरण जी हमारे साथ में हैं, ओनर ऑफ द कार। हम सर का वेलकम करते हैं शॉप पे एंड अभिनंदन करते हैं उनको गाड़ी के लिए। कशी गाडी शोरूम मजदी होती आणि कशा लुक झालेला आहे? हां, गाडीचं एकदम व्यवस्थित बनवली आहे, जसं म्हणजे इंटीरियर वगैरे जे आहे। हां, कोणी आतमध्ये बसून सांगणार नाही की ही बेस्ट मॉडेल। हां, टॉप मॉडेल मध्ये पण ही लॅम्बियंट लाईट, हे सीट कव्हर, डॅशबोर्ड, हे स्टीयरिंग लुक कसा आलेला आहे? नाही, लुक तर एकदम मस्त आला आहे, ते बघूनच म्हटलं ना। त्यासाठी तर मी पुण्यावरून आलो आहे ॲक्च्युली। मला इथं त्या एका मित्राने सजेस्ट केलं होतं, म्हणून मी त्याचा व्हिडिओ बघून मी इकडे आलो होतो। त्याची गाडी पाहिल्यानंतर मी म्हटलं की बाबा चला आपण बी इथंच गाडी बघू। पुण्यामध्ये जे सामान लावला थोडाफार, आपण इकडे जे सामान आपण फरक आहे की नाही भरपूर। एक बार फिर से हमने मॉडिफाई किया है और इसके एक से एक एडिशन्स हम आने वाले टाइम में देखेंगे। हम सबको शुक्रिया करते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो वगैरह जो बघतात। डेफिनेटली लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। ड्राइव सेफली, थैंक यू।